बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। विद द फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 16, आवर टुडेज टॉपिक इज़ हाउस सेफ्टी अलार्म। स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 में आज हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक नंबर भी 16.11 है। स्टूडेंट्स, हम हाउस सेफ्टी सर्किट्स या हाउस सेफ्टी अलार्म को डिस्कस करेंगे, जो कि लॉजिक गेट्स के यूजेस के अंडर आएगा। इससे पहले हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, ये लॉजिक गेट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर कुछ सेफ्टी डिवाइसेस में या अलार्म सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सेफ्टी पर्पज़ के लिए ही होते हैं। अगर हम देखें जनरली, तो वी कैन यूज़ लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू डू यूज़फुल टास्क। हम इनसे कुछ मुफीद काम लेने के लिए, यूज़फुल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए इन लॉजिक गेट्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। दीज सर्किट्स यूजली यूज़ लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स। आमतौर पर इन सर्किट्स के अंदर लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स, जिनको LDR कहा जाता है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स रेजिस्टर की बात करें, तो रेजिस्टर बेसिकली एक स्विच, एक सर्किट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से करंट के गुजरने की जो खिलाफ मुजाहमत है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। याद रहे स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो करंट के फ्लो को अलाउ करें, जो करंट को गुजरने दें। लेकिन दुनिया के तमाम कंडक्टर्स में ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये गुजरने वाले करंट के खिलाफ कुछ ना कुछ हद तक मुजाहमत पैदा करते हैं। इस मुजाहमत का नाम रेजिस्टेंस है। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी बेटा, उतना कम करंट वहाँ से फ्लो करेगा। और किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, उतना ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो करेगा। जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं लाइक कॉपर, उनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। लेकिन जो बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो LDR यानी कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टर को रिवाइज कर दिया, रिकॉल करवा दिया, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ दोबारा से आ जाए। रेजिस्टेंस करंट के गुजरने के खिलाफ जो मुजाहमत है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा स्विच है, एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो टोटली लाइट पे डिपेंड कर रही है। जब तक इस पे लाइट गिरेगी, करंट का फ्लो इसमें से जारी रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि लाइट बेसिकली एनर्जी होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो करंट के गुजरने के खिलाफ है, करंट के अलाव के अगेंस्ट है, ठीक है। जब इस सर्किट के ऊपर, जब इस स्विच के ऊपर, जिसको हम LDR कह रहे हैं, जब लाइट गिरेगी, तो लाइट की एनर्जी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और जिसके नतीजे में करंट का फ्लो वहाँ से जारी रहेगा। लेकिन अगर अंधेरा है, डार्क है, तो ऐसी सिचुएशन में LDR की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और करंट का फ्लो वहाँ से बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तो आप इस बात को दोबारा समझ लें, LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस है, जब इस पर लाइट फॉल करती है, रोशनी गिरती है, तो इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है और यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसे ही डार्कनेस होती है, लाइट का फ्लो रुकता है, इंटरप्ट होती है लाइट, उसके नतीजे में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और उसके नतीजे में करंट का फ्लो जो है वो भी इंटरप्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, ठीक है बेटा। तो LDR, दिस कैन एक्ट्स लाइक अ स्विच। ये जो LDR है, ये बिल्कुल एक स्विच की तरह है, दैट इज क्लोज्ड, जो कि क्लोज है यानी कि ऑन है, व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट। जब इस पे लाइट गिरेगी, तो ये स्विच समझे ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर अंधेरा है, तो तब ये स्विच ओपन है, तब ये स्विच ऑफ है, किसी किस्म का करंट वहां से नहीं गुजरेगा। अगर हम एक सिंपल हाउस सेफ्टी अलार्म की बात करें, जिसे आम तौर पर बर्गलर अलार्म या थेफ्ट अलार्म भी कहा जाता है, ठीक है, घर में कोई भी चोर, कोई भी ऐसा इंसान जिसका तल्लक हमारे घर से नहीं है, वो घर में दाखिल होने की कोशिश करे, चोरी करने की कोशिश करे, तो उससे बचाव के लिए घर में हम ये अलार्म लगा सकते हैं। तो एक सिंपल सादा जो हाउस सेफ्टी अलार्म होता है, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सर्किट्स पे बेस नहीं करता, उसके अंदर बेसिकली तीन से चार चीज़ें होती हैं। अगर हम डायग्राम में देखें,
तो डायग्राम में हमारे पास सबसे मेन चीज जो हमें नजर आ रही है वो राइट साइड के ऊपर हमारा नैंड गेट है, ठीक है। असल काम इसने करवाना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी आपको नजर आ रही हैं। अगर आप टर्मिनल ए पे देखें, जो नैंड गेट का इनपुट ए है, उसको देखें तो हमने एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है। ये एक लो रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट को अलाउ करेगी ये, ठीक है। और अगर पॉइंट बी को देखें तो ये एक LDR, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ये जो एरो आपको नजर आ रही है लाइट है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर यहां पर हमने अटैच किया है। अगर आप पॉइंट ए और बी दोनों को देखें तो पॉइंट ए रेजिस्टेंस के साथ अटैच होने के साथ साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच है। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, ठीक है, जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और पॉइंट बी अगर देखें, वो LDR के साथ अटैच होने के साथ साथ वो भी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ही है, ठीक है। देन यहां पर हमारे पास एक स्विच है जो कि पॉइंट ए के साथ अटैच है। ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, जब दो वायर्स आमने सामने से गुजर रही हों तो बेटा इस तरह का सिंबल वहां पे बनाया जाता है ओवरलैपिंग के लिए, वायर्स की ओवरलैपिंग के लिए। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये वायर्स आपस में अटैच हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दो तारें आपस में जुड़ जाएंगी तो, ठीक है। इसलिए वायर ए आप समझ लें कि पीछे से गुजर रही है, सपोज कर लें ये वायर ए है और ये मेरी फिंगर वायर बी है जो इसके आगे से गुजर रही है। अब यहां पर इसको इकट्ठा शो करने की बजाय इस तरह का एक सिंबल ड्रा किया जाता है ताकि हमें नजर आ जाए कि एक वायर पीछे से गुजर रही है और एक उसके ऊपर से गुजर रही है। तो वायर जो ये वाली वायर जो स्विच के साथ अटैच है, बेसिकली ये हमारे पास इस जगह पर पॉइंट ए, जो टर्मिनल ए है, जो इनपुट ए है, वहां पर अटैच है। और बी जो है वो LDR के साथ पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच है और एक रेजिस्टेंस यहां पर है, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब इसकी वर्किंग देखें, याद रहे हाउस सेफ्टी अलार्म घर में किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसे दरवाजे के साथ डोर के साथ लगाया जाता है कि जहां से कोई भी गैर मुतलका फर्द दाखिल होगा तो ये अलार्म जो है वो साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। और हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे घर में कोई भी बगैर इजाजत के दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो हम अवेयर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें होता ये है कि इसमें चूंकि बेसिकली सारा काम नैंड गेट का है, तो अगर आपको बेटा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल याद है तो मैंने आपकी आसानी के लिए ट्रुथ टेबल बनाया है, ठीक है ना। तीन कॉलम मैंने खाली छोड़े, मैं साथ साथ समझाता हूँ। एक कॉलम मैंने यहां पर किया, सपोज कर लें, फर्ज कर लें, स्टार्ट में कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है, ये चूंकि एक लो रेजिस्टेंस है, करंट जा रहा है यहां पर, तो पॉइंट ए पे करंट है। इट मींस के पॉइंट ए पे वैल्यू क्या है बेटा, वन है। क्या वैल्यू है, वन है। तो आप इसकी वैल्यू लिखें, सपोज कर लें वन, तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है जी। उसके बाद इस पे लाइट गिर रही है LDR पे, LDR पे लाइट गिर रही है तो इसका मतलब है करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है, जब लाइट फॉल करेगी तो इसमें से करंट गुजरेगा, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो वो करंट गुजर के आएगा पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे बेटा क्या वैल्यू हो जाएगी, वन। पॉइंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ए की वैल्यू भी वन और बी की वैल्यू भी वन। एंड ऑपरेशन में आपने पढ़ा था उसके ट्रुथ टेबल में, जब दोनों वैल्यूज वन होंगी तो आउटपुट आपको मिलेगा वन। लेकिन साथ में क्या है, नॉट ऑपरेशन अप्लाई करना है, नैंड है ना ये वाला, ये सिंबल नैंड का है जो कि एंड को इनवर्स कर देगा, तो एंड का आउटपुट बेटा क्या आया, वन। तो आपके पास जब इस पे नैंड अप्लाई किया आपने तो क्या आया, जीरो, यानी कि अलार्म नहीं बजेगा। क्या होगा, अलार्म नहीं बजेगा। अब अगली सिचुएशंस देखें कि फॉर एग्जांपल घर में जो शख्स दाखिल होना चाह रहा है, ठीक है, एक अनवांटेड पर्सन घर में दाखिल होना चाह रहा है, दरवाजे के साथ एक छोटा सा अलार्म लगा हुआ है जो उसको नजर नहीं आ रहा, अगर वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है बेटा आके, ठीक है जी, तो सपोज कर लें कि जो लाइट LDR पे गिर रही थी अब उसने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई बल्ब लगा हुआ था जहां से लाइट आ रही थी जो कि LDR पे गिर रही थी, करंट का फ्लो जारी था, पॉइंट ए के ऊपर भी करंट था, पॉइंट बी पे भी था, अलार्म ऑफ था। लेकिन अगर वो पर्सन बिल्कुल LDR के सामने खड़ा हो गया, अब LDR के ऊपर लाइट नहीं गिर रही, जब LDR पे लाइट नहीं गिर रही
तो क्या होगा बेटा, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है। लाइट होगी तो करंट होगा, लाइट नहीं होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, करंट नहीं होगा। तो करंट नहीं होगा तो पॉइंट बी पे आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा बेटा जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो पॉइंट ए का आउटपुट बेटा अभी भी वन ही है। पॉइंट ए का आउटपुट अभी भी वन नहीं है, लेकिन बी का आउटपुट क्या है? जीरो। तो 1.0 जीरो होता है, 1.0 जीरो होता है। तो जब इस पे नॉट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा 1। यानी कि अब जब आउटपुट 1 आएगा तो अब आपका अलार्म साउंड करेगा, ठीक है। जैसे कोई शख्स एलडीआर के सामने आ गया, अब चोर को तो नहीं पता कि आपने कहीं पे स्विच लगाया हुआ है, ठीक है ना। स्विच का तो जो पर्पज है वही खत्म हो जाएगा अगर उसको पता है कि लगा हुआ इधर। तो अगर कोई एलडीआर के सामने खड़ा हो गया आके, लाइट इंटरप्ट हुई, लाइट रुकी, उस पर गिरना बंद हुई, तो नतीजे में एलडीआर ने सिग्नल दिया जीरो, क्योंकि करंट गया ही नहीं। तो 1.0 जीरो होता है। तो जब उस पर आप नॉट अप्लाई करते हैं, नैंड बन जाता है, तो वो 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो आपका अलार्म साउंड करेगा। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लेते हैं कि एलडीआर के सामने नहीं आया वो, ठीक है। अब जिस जगह जिस दरवाजे के साथ आपने हाउस सेफ्टी अलार्म लगाया हुआ है, चले मान लिया कि एलडीआर के सामने वो नहीं आया, एलडीआर पे लाइट गिर रही है, ठीक है। चले एलडीआर पे लाइट गिर रही है तो पॉइंट बी के ऊपर फिर करंट आ रहा है, तो इसका मतलब है वो 1 है। अब जैसे वो शख्स कमरे में दाखिल होता है, कमरे में बिल्कुल नीचे फ्लोर पे इंतहाई सेंसिटिव सा एक स्विच लगाया हुआ आपने, उसका अंदाजा किसी को नहीं है, उस चोर को उसका अंदाजा नहीं है। सपोज कर लीजिए स्विच लगा हुआ है कमरे की बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। जैसे वो अपना पांव रखेगा, इंतहाई सेंसिटिव स्विच है वो, जो थोड़े से वजन के साथ भी प्रेस हो जाता है। सपोज कर लें कि जैसे ही स्विच के ऊपर पांव आया, ये जो सर्किट ब्रेक था, ये स्विच जाके मिल जाएगा। जब ये स्विच मिल जाएगा तो सर्किट बेटा इस तरह से हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब जब ये सर्किट बेटा कंप्लीट हुआ है, अब स्विच ने इसको जोड़ दिया आपस में, इस कनेक्शन को, पहले ये सेपरेट था, अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये जो लाइट पॉइंट ए के ऊपर जब करंट फ्लो कर रहा था, अब ये पॉइंट ए तक नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहां पे सर्किट क्लोज हो गया। तो ये शॉर्टकट रास्ता मिला इस करंट को गुजरने के लिए, वो करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से इस रेजिस्टेंस से पॉइंट ए तक आ रहा था, पहले आ रहा था, वो सिचुएशन क्या थी? वो सिचुएशन ये थी कि जब आपका स्विच जो है वो, उस पर पाँव नहीं आया अभी उसका, ये सिचुएशन है। तो करंट जा रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है जी। अब जो बर्गलर है, जो चोर है, वो एलडीआर के सामने नहीं आया, ठीक है ना, लिहाजा एलडीआर ने अपना काम नहीं किया। क्लियर हो गया? सिग्नल दे रहा है 1, करंट गुजर रहा है वहां से। अब जैसे वो कमरे में दाखिल होता है, वो स्विच पे पांव रखता है। जब स्विच पे पांव रखेगा तो ऐसा करने के नतीजे में बेटा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट जो बेटा यहां तक आ रहा था, इस पॉइंट तक जो करंट आ रहा था, अब वो आगे नहीं जाएगा, उसको तो रास्ता मिल गया वापस जाने का। याद रहे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे आता है, तो जो यहां से नेगेटिव पे आ रहा था, अब उसको शॉर्टकट मिला ये वाला, तो वो वहां जाने की बजाय इस शॉर्टकट से नेगेटिव पे आ जाएगा। लिहाजा जब करंट इस शॉर्टकट से नेगेटिव पे आ गया तो ए पे तो गया ही नहीं वो, तो ए पे रीडिंग क्या हुई? 0। बी पे क्या थी? 1। तो तीसरी रीडिंग देख ले, ए पे रीडिंग 0 और बी पे रीडिंग थी 1। बी पे रीडिंग 1 क्यों थी? क्योंकि एलडीआर ने काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? चोर उसके सामने आया ही नहीं, लाइट उस पर गिर रही थी, वो सिग्नल दे रही है 1, क्योंकि करंट गुजर रहा है वहां से। लेकिन जैसे स्विच के ऊपर पांव आया चोर का, तो अब करंट पॉइंट ए पे जाने की बजाय इस स्विच के साथ यहां तक आ गया, स्विच ने अपना काम किया, लिहाजा आपके पास टर्मिनल ए के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0.1 एंड गेट के मुताबिक 0, और जब आप इस पे नॉट अप्लाई करेंगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा 1। तो मतलब ये है कि अलार्म दोबारा बजेगा,
ठीक है, अलार्म दोबारा बजेगा। पहली सूरत थी अलार्म के बजने की कि या तो चोर एलडीआर के सामने आ जाए, एलडीआर के सामने आ जाएगा लाइट को ब्लॉक कर देगा, लाइट को ब्लॉक करेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, बी पे वैल्यू हो गई थी जीरो। ये देखें सेकंड पे बी पे वैल्यू क्या थी, जीरो, और ए पे वैल्यू क्या थी, वन थी। तो 1.00 था, इन्वर्स किया, वन हुआ, अलार्म बज गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एलडीआर ने चले काम नहीं किया, स्विच ने अपना वर्क किया, स्टेप स्विच के ऊपर आया। ऐसी सिचुएशन में जब स्विच के ऊपर स्टेप आ गया उसका, तो पॉइंट ए की रीडिंग जीरो हो गई। क्यों हो गई, कि जो करंट पॉइंट ए तक जा रहा था अब वो स्विच के जरिए नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, पॉइंट ए पे करंट गया ही नहीं, पॉइंट ए तक करंट पहुंचा ही नहीं, वैल्यू जीरो हो गई। बी की वैल्यू वन थी, तो 1.00 और आपका आउटपुट आ गया वन। और अगर ये दोनों ही जीरो हों, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी के अंदर आपका आउटपुट जो है वो फिर भी वन आएगा। अब ये दोनों जीरो कब हो सकते हैं, ये दोनों जीरो इस वक्त हो सकते हैं कि स्विच के ऊपर भी पांव आ गया और चोर जो है वो एलडीआर के सामने भी आ गया। एलडीआर के सामने आ गया, करंट ब्लॉक हुआ, करंट पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा, तो पॉइंट बी की वैल्यू क्या हुई, जीरो। स्विच पे भी पांव आ गया, करंट ए तक नहीं पहुंचा, ए की वैल्यू क्या हुई, जीरो। तो 0.0 आउटपुट जीरो आता है। तो जब इस पे इन्वर्स लगाएंगे, नॉट अप्लाई करेंगे, नैंड बनाएंगे इसका, तो फाइनल क्या आएगा, वन। तो इस तरह से भी अलार्म आपका ओपन हो जाएगा, मतलब कि अलार्म आपका साउंड क्रिएट करना शुरू करेगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, कि तीन पॉसिबिलिटीज में रह के ये आपका अलार्म साउंड जनरेट करेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था, और इस टॉपिक में मेन चीज हमारा ये सर्किट था जिसे हमने समझना था। तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली सारी सिचुएशन समझा दी। आप इस वीडियो को उस ट्रुथ टेबल के मुताबिक पॉइंट बाय पॉइंट बार बार देखिएगा। वैसे तो मैंने एक एक पॉइंट को दो दो तीन तीन दफा रिपीट किया है, लेकिन आप फिर भी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसको सर्किट को समझना मसला कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़।